ट्राभेल ओडिशार आज कार्यक्रम को स्वागत करुच्ची मु सुशान पटनायक। दर्शक बंधु, वर्षा खरा शीत वर्ष तमाम एठारे पर्यटक गहली लगी थाए। आ सप्ताश्चर्य मध्य एक प्रसिद्ध एवं अन्यतम पर्यटन स्थली जहाँकि ओडिशार पुरी जिले में अवस्थित एवं ताहा कोणार्क। आज अध्याय देखा विश्व प्रसिद्ध से ही कोणार्क मंदिर। ओडिशार पुरी जिले में अवस्थित कोणार्क सूर्य मंदिर। कोणार्क एक एमिति मंदिर जहाँ भारत में नुहे विश्व में मंदिरर कारुकार्य और रहस्य पई एक ऐतिह्य स्थल अटे। प्राय 1285 ख्रीष्टाब्दू उत्कल गंगवंशीय राजा लांगुळा नरसिंहदेव द्वारा यह मंदिरटी तोड़ा जाइथिला। यह एक रथ सदृश जेउंथिरे पत्थर तैयारी होइथिबा चक स्तंभ और कांथ रही। प्राचीन नदी और बंगोपसागर संगम स्थल रे गढ़ी उठिथिला एही मंदिर। गंगवंशर राजा लांगुळा नरसिंहदेव द्वारा यह मंदिर निर्माण करा जायछि। विश्व प्रसिद्ध बा विश्व ऐतिह्य कोणार्क मंदिर प्रायतः 1300 शताब्दी अर्थात 1285 ख्रीष्टाब्द रे निर्माण होइतबा इतिहास रु जाना पड़े। धीरे धीरे कोणार्क मंदिर भग्नावशेष आड़क गति करुछि एवं जहाँ सूचना रही कि टाइम्स ऑफ इंडिया एवं एनडीटीवी रिपोर्ट अनुसार विश्वर सप्ताश्चर्य मध्य कोणार्क मंदिर अन्यतम अटे। से ही जुगरे नदी एक पोताश्रय थिला। एहर नाम थिला कोणगर। कोणगर नाम अनुसारे प्राचीन शब्द कोण और अर्कर संजोगरु तैयारी होई थाए। एही मंदिरटी सूर्य देवतांका पाई तैयारी होइतला बोली एहार नाम कोणार्क होईछि। कोणार्क मंदिर कलिंग स्थापत्य कला और शैली रे तोला जाइथिला। मंदिर चारिपटे 9 फुट 9 इंचर उच्चर 24टी चक और सम्मुखरे 7टी घोड़ा खंजा जाइथिला। एबे एही मंदिरटी प्राय ध्वंस हो गलाणी। वर्तमान अछि तो देवगृह और देव सिंहासन। मुख्य देउलटी पाखापाखि 200 फुट माने 60 मीटर उच्च जहाँ भारतर उच्चतम मंदिर माना जाए। मैं कोलकाता से आया हूँ और ये कोणार्क पहली बार नहीं, मैं सेकंड टाइम आया हुआ है। और ये मंदिर बहुत ही अच्छा है, सूर्य मंदिर जैसे कि आप सभी जानते हैं। और ये मंदिर बारस कारीगर 12 साल लगा था बनाने में। और यहाँ का जो आपका ये फर्स्ट टाइम है कि पहले से आया हुआ है? ये सेकंड टाइम है। मैं एक्चुअली भुवनेश्वर में पढ़ता था आगई में, तो उस समय दोस्तों के साथ आया था। इस बार मैं अपनी वाइफ के साथ आया हूँ, ये मेरी वाइफ है। ओके ओके। बहुत अद्भुत एंड बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है और यहाँ के पिक्चर्स बहुत अच्छी आती है। और अभी तो फिलहाल मंदिर छोटा हो गया, पहले और बड़ा था तो काफ़ी ज़्यादा और भी अच्छा होता। कोणार्क मंदिर में मुख्यतः 3 प्रकार पत्थर व्यवहार कराई। आश्चर्यजनक कथा है कि पूर्वर कलापहाड़ मंदिर गठन प्रणाली विषय में जानी था, जहाद्वारा मंदिर को सहजरे ध्वंस कर पारी थिला। ओडिशार इतिहासरू जनापड़े 1508 ख्रीष्टाब्दे आक्रमण द्वारा ओडिशा रे किछि मंदिर ध्वंस होइतिला। स्थानीय लोक पथदर्शक माने कहती जे कोणार्क मंदिरर 2टी पत्थर मध्य गोटे लुहा प्लेट दियाइछि, जहाँ आज भी देखा मिले। दधे नौती में एक विशाल चुंबक खंजा जाइथिला, जहाको 1200 बढ़े नक गोटे छोटिया बड़क करथिला। एही चुंबकर एते शक्ति थिला जे एहा द्वारा समुद्र रे जाउथिबा लोक मध्य आकर्षित हेउथिले। एही मंदिर सूर्यदेवंक रथ भड़ी अटे। कौन कहे कोणार्क मंदिर रे आपण कौन भाव कार्य कर? आज्ञा ये टूरिस्ट प्लेस रे फोटोग्राफरिंग कर गाइड भी कर टूरिस्ट बुझाऊँ। कौन कहे कोणार्क मंदिर विषय? कौन कहे कोणार्क मंदिर विषय? आज्ञा यहाँ एमती करोना फनी एटा सब बंद था। लोक गरीब लोक गुरा सब डैमेज माने बेपार पतर किसी ना खाया असुविधा पाते। जाओ कोणार्क मंदिर किसी खोलू कि लोक आसपार एमर बेपार चलती टूरिस्ट। केते खंडे पर्यटक दिन को आसती? पर्यटक आसती 5,000 5,000,000 5,000,000 3,00,000 एमती आसती प्रतिदिन। प्रतिदिन आसती ए कमी जाती लोक। आज्ञा अच्छा केतरू केतरा पर्यटन मंदिर भितर बुलाबुली करने रही? सका 6 संध्या 6 पर्यटन। अच्छा विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर निकट रे अवस्थित चंद्रभागा, जहाँकि ऐतिह्य एवं प्रसिद्ध अटे। चंद्रभागा ठारे माघ तिल सप्तमी परंपरा अनुसार भिड़ जमी थाए पर्यटक मानकर, जो माने कि माघ तिल सप्तमी रे बुड़ पकाई था। आम बर्तमान सेठी पहुंचीचु, आपण को देखा चाहूँ चंद्रभागार ये हूँ से दृश्य। कोणार्क सूर्य मंदिर 3 किलोमीटर दूर में अवस्थित प्रसिद्ध चंद्रभागा एठारे कुष्ठ रोगी मानक प्राकृतिक उपाय चिकित्सा हो जाए बोली पूर्वे विश्वास रही। एशियार प्रथम बेलाभूमि भाव में चंद्रभागा बेलाभूमि को ब्लू फ्लैग प्रमाणपत्र मिलता। पौराणिक कथा अनुसार श्रीकृष्ण पुत्र सांब चंद्रभागार नदी मुहाणे सूर्य देवता को प्रार्थना करी निजकु कुष्ठ रोगरु मुक्त करथिले। नदीटी एहापरे कौनसी कारणवशतः सुखी जाइथिला। धार्मिक काम पई एहाकु एक आदर्श जगह बोली विवेचना करा जाए। प्रतिवर्ष माघ सप्तमी तिथि ओडिशा तथा ओडिशा बाहरु लोके आसी पोखरी रे संकुचित हो जाइथिबा नदी रे बुड़ पकाई थांती। एहापरे सूर्य देवता को प्रार्थना करा जाई सूर्योदय अनुभव करा जाई थाए। विश्व प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर पार्श्वर पूजा पाँच नवग्रह बा नवदेवता जितेबले पर्यटक मैंने आसीथांती कोणार्क मंदिर परिभ्रमण पर निश्चित भावे से नवग्रह पूजा करी ही जाइथांती बा नवग्रह को दर्शन करी पूजा करी जाइथांती। तेबे आज पई एतिकी आगामी अध्याय पुणी एक नूतन पर्यटन स्थल सहित आम पुणी आसुचु। नमस्कार।